क्वेश्चन लिखना है ना, एक कार्बनिक यौगिक में, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88%, पाई गई है यदि यौगिक का वास्तव घनत्व हो, तो मूलानुपाती सूत्र एवं अनुसूत्र याद कीजिए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कार्बनिक यौगिक में कितने परसेंट कार्बन? 61%, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन 11.88%, उसके बाद में बताओ से तो ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है? 59 है, तो मूलानुपाती सूत्र और क्या याद करना है? अनुसूत्र, ठीक है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको किस तरीके से बनाया जाता है ना। अब कल के क्वेश्चन जैसे ये सेम है ना, कल जो हमने क्वेश्चन किया था सेम है, कुछ अलग है क्या? कैसे नहीं अलग है? हाँ, यहाँ पर क्या बोला है? वास्तव घनत्व बोला है। और कल क्या बोला था? डायरेक्ट हमको क्या दिया था? अनुभार दिया था, है ना। डायरेक्ट क्या दिया था? अनुभार। आज क्या दिया है? वास्तव घनत्व। तो अनुभार और वास्तव घनत्व अभी मैं बताऊंगा कि आप अनुभार से वास्तव घनत्व कैसे निकाल सकते हैं या फिर वास्तव घनत्व से अनुभार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, मूलानुपाती सूत्र लिखने के नियम आप लोगों को पता है क्या होता है? सबसे पहले तत्वों की प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करते हैं। तत्वों की प्रतिशत मात्रा में सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग दिया जाता है, ठीक है। फिर परमाणु द्रव्यमान से भाग देने के बाद उनकी परमाणु की एक आपेक्षिक संख्या प्राप्त की जाती है। फिर परमाणु की सबसे आपेक्षिक संख्या में से सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देकर एक पूर्णांक सरल पूर्णांक अनुपात या पूर्णांक में अनुपात प्राप्त करते हैं। और जो पूर्णांक में अनुपात होता है वही क्या होता है बताओ? एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है, जो कि किसी यौगिक के है ना गैस में लिखने से मूलानुपाती सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। यही देखे थे, देखो तो हमारे पास सबसे पहले सारणी कैसे बनेगी, क्रमांक किसे बनेगी, फिर क्या रहेगा बताओ हमारे पास? तत्व रहेगा, फिर क्या रहेगा? परमाणु की आपेक्षिक संख्या है ना, आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं में अनुपात, और क्या आता है लास्ट में? सरल पूर्णांक, ठीक है। ये कालम सभी को पता होना चाहिए, सरल पूर्णांक अनुपात, ठीक है। देखो अब ध्यान दो सभी लोग, हमारे पास कौन कौन से यौगिक दिया है बताओ? कार्बन और हाइड्रोजन। हम पहले क्रमांक डाल देते वन तत्व लिख देते हैं कार्बन, और कार्बन के का नाम सी, संकेत सी है ना। दूसरा बोलो हाइड्रोजन, बताओ इसका संकेत एच। प्रतिशत मात्रा बताओ इसकी कितनी है? 61%, और यहाँ पर 11.88%। अब आप मुझे ये बताइएगा क्या दोनों का 100% हो रहा है? नहीं हो रहा है। 61 लेकिन हमको किसी
अभी को 100% बता रहा होता है और कोई चीज क्या होता है 100%, फिर कैसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन 100 में से घटाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कौन सा कर्म? ऑक्सीजन। मतलब एक चीज याद रखो कि यदि यहाँ पर 100% कोई चीज उपस्थित है और केवल दो यौगिक दिए हैं और वो टोटली 100% नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हमको कहीं ना कहीं इस कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन जरूर उपस्थित होगा। क्या बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जरूर उपस्थित होगा। देखो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण करेंगे। इसकी मात्रा ऑक्सीजन, केवल दो बिंदु चलेंगे। बताओ कितना? सबसे पहले तो टोटल का योग करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा 32.88%। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रॉब्लम ये 6 और 1 2 6 और 1 7.88। इसको काहे से माइनस करेंगे? ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, 100 माइनस 72। बताओ कितना आ जाएगा? 0.88 है ना। आप कैसे घटाते हैं पता है ना? यस सर। बताओ कितना आएगा? 100 में से माइनस करो 2.22 आएगा लास्ट में, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचा? 9 में से 8 गया तो कितना? 1। बोलो कितना? 9। यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, और फिर बोलो 2। पक्का? एक करो 8 और 10 की 0 9 8 9 और 10 की 0 फिर से 1 7 8 9 और 1 10 की 0 9 और 1 10। ओके टोटल 100%। ठीक है, तो इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी निकली बताओ? 27.12। बताओ ये यहाँ पर दिया हुआ है क्या? नहीं, फिर भी हमको उसकी मात्रा का निर्धारण करना है। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन दिए तो ऑक्सीजन नहीं। हाँ ऐसे जरूरी नहीं है, अगर पोटेशियम और नाइट्रोजन भी है और सपोज उनकी मात्रा 100% नहीं हो रही है तो भी वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगा। अगर तीसरा तत्व मतलब 4 भी तत्व दिए हैं और उनकी 100% मात्रा नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ पांचवा तत्व ऑक्सीजन उपस्थित होगा ही होगा। ठीक है, समझ पाए? है ना। ठीक है चलो, परमाणु द्रव्यमान 61 आगे कितना होता है बताओ? हाँ सभी का परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं ना। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है ना। बताओ कार्बन परमाणु की अपेक्षित संख्या याद करना है, क्या करते हैं? और प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। चलो प्रतिशत मात्रा कितनी दी है? 61 किससे भाग देंगे? इसमें भी वही होगा, 11.88 में किससे भाग देंगे? 1 से। इसमें भी वही होगा, 27.12 में किससे भाग देंगे? 60। चलो भाग दो, 12 बचे 60, बचा कितना? 1। लगाया कितना? 0। यहाँ 0 लगाएंगे फिर क्या होगा? 100 हो जाएगा वो, है ना। पहले 10 हुआ अब 100 हो जाएगा। वार्षिक मात्र 11.88। एक बार जाएगा तो यहाँ पर देखो भाग देगा क्या होगा? 16 का 16। फिर बताओ कितना बचा? 16 का 16 4 और 7 7 और 4 11 11। तो कितना आया बताओ? 111 हो गया, ये 111 हो गया। फिर बताओ 16 6 96 16 7 112 112। पक्का? हाँ 6 7 6 7 112। ठीक है, जो भी ज्यादा हो रहा है तो कितने बार देंगे? 6 बार ना, 16 का 96। बचा कितना? बचा कितना बताओ? 16 का 96। अब बचा कितना? 4 हो गया और इधर 11 और 4 15 15 और ये 2 152। तो बताओ कितने बार जाएगा? 16 में 164 और 16 में 160। ठीक है, तो 16 में 164। और भी जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं ना, क्यों छोड़ दे? एक बार और देकर देख लो, बताओ कितने बार जाएगा लास्ट वाला?
मतलब हम मानते हैं कि दो तक ही ले लेते हैं, दो तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पॉइंट कितने के बाद लगा देंगे? दो के बाद में। कितने के बाद में? दो। पॉइंट दो के बाद में तो 1.69, दो दशमलव की दो संख्या तक निकालते हैं बस, है ना, याद रखो। अब देखो इनमें क्या काम करेंगे, सबसे छोटी अपेक्षित संख्या का भाग देंगे, परमाणु की इनमें से सबसे छोटी अपेक्षित संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अपेक्षित संख्या कितनी है? क्या मैं ये 1.7 के बराबर मान सकता हूँ? आप लोग सभी लोग जल्दी से 17 51 देखो 17 2 34 दो दशमलव कुछ आएगा, 2.34 फिर बचा कितना 6 10 16 117 170 हो जाएगा लगभग दशमलव लगाने के बाद, है ना। 2.170 तो बताओ 17 9 17 दाम 170 हो जाएगा, तो 17 9 कर देते हैं अपन यहाँ पर, है ना, जो भी आएगा यहाँ पर भी वही 17 17 17 118 के पहले 17 6 17 6 17 6 7 42 की 2 8 4 6 6 4 10 102 है ना, और इसमें 17 जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा, है ना, 119 जो कि मेरे को 118 करना है, तो कितने बार जाएगा 6 बार, 6 दशमलव कुछ आएगा, और इसमें कितना आएगा 1 आएगा। अब मैंने बताया जब भी डेसिमल है तो उसको अपन फिगर राउंड अप में ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या में ले लेते हैं। जैसे 2.9 लिखा है तो मैं इसको कितना ले दूंगा 3, 6. कुछ लिखा होगा तो क्या ले दूंगा 6, यहाँ पर 1, ठीक है। तो बताओ कितना आया सरल समानुपातक हुआ 3 6 और बताओ 1, तो मेरा मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, अपना मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र = मूलानुपाती सूत्र = कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन का सरल पूर्णांक अनुपात 3, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 1, तो बताओ ये इसका क्या निकल गया मूलानुपाती। अब मुझे क्या निकालना है अनुसूत्र, याद करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अनुसूत्र निकालने के लिए मूलानुपाती सूत्र में n का, तो n बोले तो ये बेस में होता है, अब n की वैल्यू मुझे याद है क्या, n की वैल्यू यहाँ मुझे याद है क्या, कैसे निकलती है n की वैल्यू, मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र भाग। अब अनुभाग मुझे याद है क्या, कहाँ अनुभाग दिया है, अनुभाग नहीं दिया है, तो अनुभाग इजिकल टू होता है, याद रखना हमेशा, है ना, अनुभार इजिकल टू है ना एन इंटू एन नहीं टू इंटू वास्तव घनत्व, क्या टू इंटू वास्तव घनत्व, बताओ अनुभार इजिकल टू बताओ टू इंटू वास्तव घनत्व, तो टू इंटू वास्तव घनत्व कितना है 59, इजिकल टू बताओ 118, ये बस अनुभार निकल गया कितना। अब क्या निकालना है, यह मूलानुपाती सूत्र बताओ, बार दिया 36 10 6 का 16 का 16, अब जोड़ो 36 और 6 42 46 42 6 और 2 8 4 और 8 58 59 आएगा, अच्छे से बार दिया 36 प्लस कितना 6 का 6 और ऑक्सीजन का 1, है ना, देखो
एक छह छह बारह और छह अठारह की आठ हासिल कर एक तीन और चार और एक पाँच पक्का 58 और यहाँ पर कितना 58। अब बताओ कितने बार गुना जाएगा 58 दूनी कितना होता है 59 दूनी कितना होता है 118। सर मतलब हाँ यहाँ पर 6.98 ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 6.98 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे 7 और इसको 7 लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर भी कितना जाएगा 7 तब जाके ये कितना हो जाएगा 59। अब देखो यहाँ पर 15 कितना जाएगा 9 का 59 118 एन का मान कितना निकल गया 2। अब इस एन के मान को कहाँ पुट अप कर देंगे क्या होता है C3S7 बताओ किसका 2 का 6 7 14 और 2 का यही आपका क्या है अनुसूत्र है। ये अनुसूत्र है। अच्छा किसका सूत्र है देखो ये आपको क्या काम करना है C6H12 O कितना होता था हाँ तो इसमें देखो क्या हो रहा है कार्बन कितना है अपने पास 6 जिसका देखना पड़ेगा। ये केवल हमने ऐसा अनुसूत्र निकाला है मैं इसका संरचना सूत्र देखकर बता दूंगा कि आपको किसका सूत्र है ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमको क्या निकल क्या गया मूलानुपातिक सूत्र भी याद कर लिया और अनुसूत्र। लेकिन क्वेश्चन कब सॉल्व होगा जब आप किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप हल करो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बोला जो जो चीज पकड़ी है उन चीजों को मैं निकालते हूँ पहले मूलानुपाती सूत्र निकाल दिए फिर मुझे एन की वैल्यू नहीं पता तो एन इक्वल टू बी नॉट दैट हम जानते हैं कि अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र बार तो अनुभार इक्वल टू क्या होता है 2 × 2 इस तरीके से हमने वो निकाल दिया एन की वैल्यू निकाल दिया और एन की वैल्यू को कहां पुट कर दिया यहां पर तो हमने क्या निकल गया अनुसूत्र ठीक है बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अभी मैं बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूं आपको सर की छुट्टी है ना हां बराबर है।